हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पनीर लबाबदार बनाने जा रही हूँ। तो उसे बनाने के लिए देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। एक बड़ा चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, तेजपात का पत्ता, काली मिर्च, हरी इलायची, इन्हें डाल देंगे। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे, दो हरी मिर्च, दो लाल मिर्च साबुत, और कटे हुए प्याज, इन्हें डाल देंगे। इन सबको डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे अच्छे से मिक्स करके। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। अभी इसमें हमने कटे हुए टमाटर भी मिक्स कर दिए हैं। टमाटरों को भी अच्छे से भून लेंगे और सॉफ्ट होने देंगे। जब ये टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे तब तक हमें इन्हें इसी तरह से भूनना है। अब ये टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। मैंने ये 20 से 25 काजू लिए हैं। काजू को मैंने पानी में भिगो के रखा था, इन्हें भी हम इसमें ही मिक्स कर देंगे। और इन्हें भी भून लेंगे। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। अब हम इसमें से तेजपात के पत्ते बाहर निकाल लेंगे। और इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने ये बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब हम फिर से कढ़ाई लेंगे, इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे और एक टेबल स्पून बटर डालेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच देगी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च भी डाल देंगे आधा चम्मच, एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच सूखा धनिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, मैंने एक चम्मच डाला है। इन्हें भून लेंगे अच्छे से। बिल्कुल लो फ्लेम पर जब ये मसाले भुन जाएंगे उसके बाद हमें जो पेस्ट बनाया था इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। इसको भी भून लेंगे डालकर।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी और इसमें ऐड कर देंगे हम, क्योंकि ग्रेवी बहुत थिक है, इसके लिए हमें आधा कप पानी और ऐड करना है। तो जो जार में मसाला जिसमें हमने पीसा था उसी में ही डालकर मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर दूंगी। ये मैंने पानी भी इसमें मिक्स कर दिया है, अच्छे से इसको भी फिर से मिक्स कर लेंगे और चला लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें पनीर के पीस कट करके डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट तक इसे बिल्कुल लो गैस पर ऐसे ही पकाना है। अभी हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे। और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर क्रीम नहीं हो तो फ्रेश मलाई को अच्छे से फेंट कर वो भी डाल सकते हैं। मैंने मलाई ली है, मलाई को अच्छे से फेंट लिया है और इसे इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब ये हमारा पनीर लबाबदार बनकर तैयार हो गया है। इसे तंदूरी रोटी, बेसनी रोटी, कैसी भी रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक,